हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्रेन नॉलेज में। जी हाँ दोस्तों, भागलपुर बांका पटना क्यूल जमालपुर जाने वाले यात्रियों के लिए एक बहुत ही बड़ी और बहुत ही अच्छी खबर निकल कर आ रही है। आज की वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे कि कौन सी ये खबर क्या है दोस्तों। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे मेरा आग्रह, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। दोस्तों, राजेंद्र नगर टर्मिनल बांका और बांका राजेंद्र नगर टर्मिनल के बीच चलने वाली बांका इंटरसिटी गाड़ी संख्या 13,243/42 को जो है दोस्तों एक नया कोच मिलने जा रहा है दोस्तों। और आपको बता दें कि ये कोच जो है वो होने वाला है दोस्तों 3 इकोनॉमी AC क्लास। जी हाँ दोस्तों, बिहार को जैसे कि बताया गया था कि इकोनॉमी 3 क्लास के जो कोचेज हैं वो दिए गए हैं इंडियन रेलवे द्वारा, तो दोस्तों इसी में इस ट्रेन को एक कोच जो है वो दे दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, इससे यात्रियों को 3 AC इकोनॉमी क्लास में अब कम पैसे में जो है वो यात्रा करने को मिलेगा। बात कर लें इस ट्रेन के स्टॉपेज की, तो बांका, मुरहरा, तलिया, बाराहाट, पुंसनिया, धौनी, हटपुरैनी हाट, भागलपुर, सुल्तानगंज, बरियारपुर, जमालपुर, दशरथपुर, दरहरा, अभयपुर, कजरा, क्यूल, हाथीदा, बख्तियारपुर और राजेंद्र नगर। जी दोस्तों, ये गाड़ी बांका से सुबह 8:50 AM पर चलती है और आपको राजेंद्र नगर 4:10 पर पहुंचा देती है। वैसे ये गाड़ी उसी दिन रात को जो है वो चलती है और सुबह ही आपको वापस बांका भी पहुंचा देती है दोस्तों। तो ये काफी अच्छी खबर है और इस ट्रेन में मैं भी सफर करने वाला हूं। देखता हूं 3 AC इकोनॉमी क्लास का कितने का किराया होगा। जैसे ही इसका किराया निकल के आ जाएगा आपको मैं बताऊंगा अपनी नई वीडियो में। और दोस्तों बता दें कि इसकी जो तारीख रखी गई है वो रखी गई है 26 सितंबर। ये दोस्तों 26 सितंबर को जब ये गाड़ी चलेगी तो इसमें आपको एक डिब्बा जो है वो 3 AC इकोनॉमी क्लास का देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर। मिलते हैं एक और नई ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो में। मेरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।